प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस हमेशा वो होते हैं जिनका मतलब होता है कि जो कोई चीज़ चल रही है वो जो कंप्लीट नहीं हुई है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी ये होगा, इसकी पहचान है अगर किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। इसका यूज़ करते हैं हम ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और एम के इसका साथ हम आई का यूज़ करते हैं, और आर के साथ हम बाकी के जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनका यूज़ करते हैं, जिसमें यू, दे, वी और बाकी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं वो। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी हम कंटिन्यूस टेंस पढ़ते हैं तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगता है। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो ही इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। वे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो दे आर रीडिंग न्यूज़पेपर। अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो इसका इजंट, आर का अरंट, एम का एंट हो जाता है। जैसे मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा हूँ तो आई एंट रीडिंग न्यूज़पेपर, या आई एम नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। अगर मैं क्वेश्चन करूँगा तो क्या मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, एम आई रीडिंग न्यूज़पेपर। क्या मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा हूँ तो एम आई नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, या एंट आई रीडिंग न्यूज़पेपर। इसी तरीके से आपका इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फिनिश हो।